गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग? आई होप यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। वेलकम टू माय ब्लॉग मंजीत लाइफ इज ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। सुबह हो चुकी है और धूप बहुत तेज आई है, खिली खिली, मतलब आज कपड़ा सूखने लायक है ना। वैसे परसों का वेदर थोड़ा सुहाना था, तो चलिए बस मैं टी बन रही है, बस मैं लेके आती हूँ। कहते हैं गाइस, रवि जी आ गए हैं और टी बन के रेडी है, डांस कर रहे हैं। किस खुशी में था नाच रहे हैं जी? आ? कुछ है क्या? अरे ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ गए, सपना में देखे बहुत नाच रहे थे, तब नाचते नाचते उठे। तेरी नाम तो माले गन्नी गलत आईनी, ये क्यों हंस रहे? वो आपको आने वाले ब्लॉग में जल्दी पता चल जाएगा। अभी सस्पेंस है, आज रात का डिनर सस्पेंस है, सस्पेंस बहुत ही लजीज डिनर बनने वाला है। सोच सोच के हम खुश हो गए, नाच रहे हैं। चाय पीते पीते जो खाने का मजा ले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रवि, ये है मेरी वाइफ मंजी। तो आज हम उठ गए चाय पीने के लिए, अब बहुत खुश है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज रात को कुछ अच्छा बहुत खाने में बनने वाला, तो उसके लिए क्या था, मेरा दिल झूम झूम रहा है। ये लीजिए चाय, चेयर्स, पहला चीज आप लोग के लिए। चाय पीते पीते जिसके टोस्ट उड़ते हो, वो समझो कि चाय का सताया हुआ है। चाय अच्छी बनी है, अच्छी है ना? हाँ, क्योंकि आज इन्होंने चाय बनाई है। जो इंसान चाय नहीं बना पाए उसको जीने का अधिकार है नहीं है? जो उनका आता है बनाना, ऐसे मत बोलिए, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप बनाते हो। चाय पीना बहुत, मतलब क्या है यार, आज के डेट में इंसान कुछ कहने करे चाय तो आराम से बना सकता है, सिंपल से दूध पत्ती पानी फानी लेके डाल घोस चाय। ऐसे बनता ना चाय। घूस क्या होता है? गैस जला, घूस घूस। सॉरी गाइस, हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं ना, तो ये कुछ भी बोलते हैं। तो झारखंड से, वैसे हम लोग नोएडा में रहते हैं लेकिन झारखंड से बिलोंग करते हैं, हम लोग दोनों झारखंड, हम रांची से, ये धनबाद से। तो झारखंड से धोनी हम लोग का भाई भी तो बिलोंग करता है। बताइए तो हम लोग, हमारे रांची में तो धोनी रहता है। हाँ बहुत लोग है, इसका मतलब थोड़ी है भाई, देखो इंसान का सोच छोटा होता है, इंसान छोटा नहीं होता है। आदमी देखो जो खुल के बात करता है ना वो दिल से जीता है, और जो बनावटी मुखौटा लेके रहता है ना वो लोग बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए खोल के रहो। आदमी की तरफ जिंदगी है, क्या टेंशन टेंशन में रहना, कभी टेंशन खत्म होने वाला है? कभी नहीं, इसीलिए खोल के जियो, खुला जियो। चलिए हम लोग चाय पी लेते फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है? अभी मैं मशीन में ना कपड़ा लगा डाल दी हूँ, क्योंकि पता है मुझे सुबह सुबह धो लेना चाहिए ना, थोड़ा लेट हो गया, धूप बहुत है। तो अभी मैं टॉवल वावल डाली हूँ, उसको सुखा दूंगी और थोड़ा धूप कम होगा तब बाकी कपड़ा डालूंगी, क्योंकि धूप में फिर कपड़ा डालने में दिक्कत होता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन। तो चिकन बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है जो 1 kg है लगभग, और इसमें मैरिनेट करूंगी। 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया, तो मैरिनेट करने के लिए मैंने लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये है। अब इसमें चिकन मसाला मिलाएंगे, तभी मैंने आधा पैकेट मिला लिया है, और इसमें दही ऐड ऑन करेंगे। मैंने लगभग 100 ग्राम दही ले ली है। अब चलिए सबको मैरिनेट करने की बारी आती है। मैरिनेट करके मैं 2 घंटा के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी 7 बजने वाले हैं, मुझे बनाना है 2 घंटे बाद, तो उसे अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं और 2 घंटा इसको रेस्ट करने देंगे। चलिए मैरिनेट हो गया अच्छे से, अब 2 घंटा रेस्ट करने लगता है। तो मैरिनेट के लिए तो मैंने चिकन रख लिया, ये मैंने
मीडियम साइज के 5 प्याज ले लिए हैं, 2-5 प्याज ले लिए हैं और 2 लहसुन ले लिया है। आज को मैंने पानी में भिगो दिया क्योंकि पानी में भिगोने से सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी छिल जाता है। चलिए ये सब मैं चॉप कर लेती हूँ। चिकन मैरिनेट हो गया था तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली और उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। ये देख सकते हो मैंने प्याज और लहसुन को अच्छे से चॉप कर लिया और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी एड ऑन करूंगी। ये मैंने टमाटर भी काट लिए हैं। और ये देख सकते हो मेरा चिकन भी मैरिनेट होके रेडी है। चलिए अब बनाते हैं, ऑयल गर्म होने देते हैं। पहले मेरा गर्म हो गया, गैस का फ्लेम मैंने सिम कर दिया और सबसे पहले मैं इसमें जा रही हूँ डाल रही हूँ चौके में प्याज और लहसुन और इसे 5 से 7 मिनट तक भूनने के लिए ज़्यादा है ना इसे। देख सकते हो मेरा चॉप किया हुआ प्याज और लहसुन पक गया है। इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड ऑन कर रही हूँ और इसे 4 से 4 मिनट और पकाएंगे, 3 से 4 मिनट। तो देख सकते हैं टोटल 10 मिनट्स हो गए हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड अच्छे से कुक हो गया है। अब आते हैं मसाले की बारी। तो सबसे पहले मैं 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 किलो चिकन है ना, और लाल मिर्च 1 चम्मच भर के डाल ज़्यादा नहीं, और नमक भी 1-2 चम्मच। ये सबको अच्छे से मैं भून लेती हूँ 30 सेकेंड 1 मिनट तक। देख सकते हैं कुक हो गया है, कुक हो चुका है। मैं मैरिनेट किए हुए चिकन इसमें डालूंगी। ये देखिए मैंने सनमत कैसा हो गया। डाल दिया और मैं अच्छे से सारे मसाले गैस को फ्लेम सिम करके सारे मसाले को अच्छे से मिला लेती हूँ चिकन के साथ और फिर मैं तो चिकन में देती हूँ। भुनने में 20 मिनट लगेगा क्योंकि 1 किलो चिकन है ना। चलिए सब भून देते हैं। 20 मिनट पूरा हो गया और चिकन बहुत अच्छा से गला भी है और लबाबदार बन रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं बट मैं इसमें थोड़ा सा अभी मैं इसमें गरम मसाला ऐड ऑन करेंगे, किचन में मसाला ऐड ऑन करूँगी और देन इसको 10 मिनट और कुक करेंगे, 5 से 10 मिनट। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला, 1 पैकेट डाला और गरम मसाला डाल के सबको मिला लेती हूँ। डाल लिया, मिला लेते अच्छे से। मैं बहुत ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है अच्छा से गल चुका है तो मैं ज़्यादा नहीं पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी करूँगी और 5 मिनट तक कुक करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी डाल के मैं ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो गया, अब देखते भी बनाए थे, देख सकते हैं 5 मिनट हो गया। ग्रेवी भी काफ़ी थिक आई है और देखने में भी काफ़ी लजीज लग रहा है। अब रोटी पुलाव चावल जिसके साथ भी खाना चाहते हो खा सकते हो। चलिए अब मैं इसे ढक देती हूँ।
फिर मेरा मजेदार सा पुलाव बनते रेडी है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। चलिए उसे सर्व करेंगे थोड़ी देर में। कैसा बना है खाना का स्वाद कैसा है? बहुत सुंदर। अभी मम्मी अभी थोड़ा बिजी है पीस सेलेक्ट करने में। खाइए खाइए दिल खोल के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाना खाओ कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कहीं भी रखो। कैसा लगा अपना खाना? अच्छा मस्त है, मस्त है। चलिए अच्छी बात है। खाना बनाने लगा तारीफ जब हो जाता है तो खाना बनाने अपने आप खुश हो जाता है। चलिए अच्छी बात है, खाइए आराम से। हम रोटी ताकते हैं ना, खाइए। कैमरा में दिखा दो। ठीक है ठीक है, खाएंगे जरूर खाएंगे। आप लोग पहले खाइए। ये रोटी आ गया है गाइस। मिट्टी थोड़ी है। हाँ शेफ शेफ रोटी बनेगा गोल गोल। बनाइए बनाइए रोटी। हाँ थोड़ा मौसम ठंडा किया ना आज, बहुत गर्मी था दिन भर से। तो बताइए टेस्टी चिकन बनाने का राज क्या है? क्या आप कैसे मैरिनेट किए आप? मैं बचपन से ही मुझे खाना देख के लगता था कि बना के देखूं कैसा बनता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, पहले तो ट्राई किया तो अच्छा नहीं बना, फिर बनाते बनाते एक्सपर्ट बन गए। गुड ठीक है, और ट्राई करो और अच्छा बना। पता है मैंने फर्स्ट टाइम अच्छा खाना कब बनाया था? जब मैं 7th क्लास में थी। गुड बनाओ। अगले इंसान भले कमाए ना करे, कुछ भी टैलेंट ना हो, खाना खाना चाहिए। अगले पैसा तो आदमी नहीं चबा के खाएगा ना, चिकने खाएगा ना जी। ठीक है गाइस, अरे रोटी फूल गया। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको, जब हम खाएंगे तो दिखाएंगे आपको। चलो नहीं चलते रहो, गणपति लगाया ना। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर फैमिली एंड फ्रेंड। बाय बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।